हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे मिल रहे हैं और सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह के सेम क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियो क्लासेस के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैंने एबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए कुछ हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और 15 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिए और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आप फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इनको हम बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर फ्रेज दिया रहता है और कभी कभी ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, दिस इज द प्रिसाइज रीजन हाउ ही वॉन्ट मी इन द टीम। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है, यहां पर इसमें क्या ये फ्रेज गलत है। ये फ्रेज इसलिए गलत है, दिस इज द प्रिसाइज रीजन। हम रीजन की हम इसमें बात कर रहे हैं और रीजन को हम बताते हैं वाई के थ्रू। हम रीजन को हाउ के थ्रू नहीं बताते, हाउ के थ्रू हम मेथड को बताते हैं कि कोई चीज किस तरीके से होती है। वाई के थ्रू हम रीजन को बताते हैं, तो इसमें हाउ ना होते हुए वाई आएगा। इसका मतलब इसमें जो नो इम्प्रूवमेंट का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें इन चारों ऑप्शंस में से क्या क्या आ सकता है। हाउ ही वॉन्टिंग, वैन ही, देखिए हाउ भी इसमें नहीं आएगा, इसमें वैन भी नहीं आएगा, क्योंकि रीजन को हम केवल वाई से दिखाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। अब इन दोनों में से एक क्यों, एक कौन सा आएगा वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, वाई ही वॉन्टेड। ये आंसर इसलिए नहीं होगा, यदि इसमें एस लगा होता, यहां पर इसमें एस लगा होता तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता और फिर आपका आंसर होता बोथ सी एंड डी। लेकिन चूंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो है यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, तो इसलिए यहां पर एस होना जरूरी है। एस इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया इससे बाहर। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वाई ही वॉन्टेड। दिस इज द प्रिसाइज रीजन, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट, दिस इज द प्रिसाइज रीजन वाई ही वॉन्टेड मी इन द टीम। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वन ऑफ द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स कौन होते हैं, अपराधी जिन्होंने कोई कल्प्रिट किया है, कोई अपराध किया है। तो देखिए, वन ऑफ द के बाद जो आपका नाउन आता है या जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल होता है, क्योंकि वन ऑफ द का मतलब होता है कई में से एक, वन ऑफ द मैनी। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आती है, जो सब्जेक्ट आता है यहां पर, वो प्लूरल होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है, क्योंकि वन इंडिकेट करता है सिंगुलर को। ठीक है, ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है ये वन के साथ जुड़ती है, वन के साथ अटैच होती है, तो वन के साथ यहां पर जो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी और यहां पर जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी। तो नाउन तो इसमें प्लूरल में है लेकिन ये आपको सिंगुलर में चाहिए, यानी हैव वाले जितने भी ऑप्शन होंगे इसमें वो कट जाएंगे, तो हैव वाला एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें। अब हम आगे देखते हैं। वन ऑफ द कल्प्रिट्स हैज, देखिए एडमिटेड लिखा हुआ है यहां पर, एडमिटेड क्या है, वर्ब है, उसने एडमिट कर लिया है। ठीक हैज एडमिटेड का मतलब क्या है कि उसने एडमिट कर लिया है। अब उसने एडमिट कैसे किया है इसको हम बताएंगे एडवर्ब से। यहां पर तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ओपनली, क्योंकि ओपनली क्या है, एक एडवर्ब है। तो वन ऑफ द कल्प्रिट्स हैज ओपनली एडमिटेड, हैज ओपनली एडमिटेड, ये यहां पर आपका सही आंसर होगा, हैज ओपनली एडमिटेड, ये कॉम्बिनेशन इसमें सही बनेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट में काफी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है और आपका जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होना चाहिए वो उसमें क्या होता है, ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट होना चाहिए, उसका वर्ड ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट वाइज भी वो सही होना चाहिए। ठीक है, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एडमिटेड जो कि एक वर्ब है, इसके साथ हमने क्या लगाया, ओपनली जो कि एक एडवर्ब है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द कंपनी हैज हायर्ड ए न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर द न्यू सीजन फॉर अट्रैक्ट। देखिए फॉर एक प्रपोजिशन है
और प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। इसका मतलब यहां पर रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, द कंपनी हैज हायर्ड ए न्यू एडवर्टाइजिंग कंपनी, कंपनी ने एक न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया है, और इस हायरिंग का पर्पस क्या है? इस हायरिंग का पर्पस ये है टू अट्रैक्ट मोर बायर्स। यहां पर हम पर्पस बता रहे हैं कि यहां पर ये जो वर्ब लगी है हायर, इस हायर का पर्पस क्या है? तो पर्पस को इंडिकेट करने के लिए हम टू प्लस वी वन का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये रीजन है, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम टू लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं जिसके बाद हम फॉर या फ्रॉम लगाते हैं, जैसे बार हुआ, प्रिवेंट हुआ, प्रोहिबिट हुआ, इसके बाद हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। इंजॉय हुआ, अवॉइड हुआ, प्रैक्टिस हुआ, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये वर्ब पैटर्न्स होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहां पर चूंकि हम पर्पस भी बता रहे हैं और हायर के बाद वैसे भी टू आता है, तो इसलिए टू अट्रैक्ट मोर यहां पर सही कहना सही होगा, ठीक है। और चूंकि बायर जो है ये काउंटेबल है, तो इसलिए मोर हम यहां पर कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा सी, टू अट्रैक्ट मोर। SBIPO का नोटिफिकेशन मार्च में आ रहा है, और इसके लिए मैंने एक फ्रेश टारगेट बैच लॉन्च कर रहा हूँ मैं। 10 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इस क्लास के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू आप SBIPO, RBI, कैनरा बैंक, PGDF, इंश्योरेंस एग्जाम सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड टारगेट बैच है इंग्लिश के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है। इसकी 1 साल की जो फीस है वो 2650 रुपये है। इसमें पूरा इंग्लिश रहेगा, पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। डेली 2 क्लासेस रहती हैं मिनिमम, और सैटरडे के सैटरडे इसमें मॉक टेस्ट होता है, और सारे क्वेश्चंस इसमें जो रहते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस में इंक्लूड करता हूँ। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वॉज पिवोटल टू द एंडिंग ऑफ द अपार्थाइड पॉलिसी। साउथ अफ्रीका में एपरथाइड पॉलिसी जो चली थी, उसको आप जानते होंगे, साउथ अफ्रीका में चली थी ये। इसमें जो जो डिस्क्रिमिनेशन था काले लोगों के अगेंस्ट, गोरे लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको हम बोलते हैं अपार्थाइड पॉलिसी। तो नेल्सन मंडेला ने इसको अपोज किया था और इसको एंड किया। पिवोटल का मतलब होता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेल्सन मंडेला वॉज पिवोटल, मतलब इंस्ट्रूमेंटल था वो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सेंट्रल रोल इसमें प्ले किया। पिवोटल के बाद हम टू लगाते हैं। पिवोटल टू व्हाट? पिवोटल टू द एंडिंग ऑफ, पिवोटल टू द एंडिंग ऑफ द, इसलिए लगाए क्योंकि अपार्थाइड पॉलिसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी है, तो द यहां पर कहना सही है, एंडिंग वर्ड सही है। तो इसमें रिप्लेसमेंट की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आंसर होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यहां पर देखते हैं, इन द लाइकिंग पायल विल पास द एग्जाम दिस ईयर विथ फ्लाइंग कलर्स। पायल यहां पर एक स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट है। पायल विल पास द एग्जाम दिस ईयर विथ फ्लाइंग कलर। विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब है? विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब है अच्छे मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से, ठीक है। और इन द लाइकिंग क्या मतलब है? कि इस चीज की पूरी संभावना है कि पायल विल पास द एग्जाम दिस ईयर विथ फ्लाइंग कलर्स, एक अच्छे नंबरों से पायल एग्जाम को पास करेगी, इन द लाइकिंग। तो एक्चुअली ये जो फ्रेज है ये गलत है। सही जो फ्रेज होता है वो होता है इन ऑल लाइकलीहुड। सही जो फ्रेज होता है वो होता है इन ऑल लाइकलीहुड। तो इसका आंसर होगा आपका ए, बाकी सारे फ्रेजेज जो हैं वो गलत हैं। अब यहां पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी रिसेंटली IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया है, 4 वर्ड इसमें बोल्ड में दिए हैं, और 4 वर्ड्स में से एक कोई भी वर्ड या तो उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है या वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेलिंग भी गलत हो सकती है और वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस, इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वर्ड को देखना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें टाइम काफी वेस्ट होगा। THOUSANDS थाउजेंड्स की स्पेलिंग सही है, DATHE गैदर्ड की स्पेलिंग सही है, GUARAN होता है इसमें, डबल आर नहीं आता, गारंटेड की स्पेलिंग गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी गारंटेड। लेजिस्लेशन की स्पेलिंग सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द फार्मर्स बिगेन सही है, कन्वर्ज सही है, वेरियस की स्पेलिंग गलत है, आइकॉनिक सही है, वेरियस की स्पेलिंग गलत है, VARIOUS होता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्केप सही है, वर्डिक्ट सही है, क्रॉस सही है, इशू की स्पेलिंग गलत है, इशू में डबल एस आता है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसिल्ड की स्पेलिंग गलत है, मैसिव सही है, अलीज सही है, प्रोटेस्टिंग सही है, कैंसिल में डबल एल आता है, CANCELED, कैंसिल की स्पेलिंग गलत है, आपका आंसर होगा ए। यहां पर देखते हैं, रिपोर्ट नोटेड नोटेड प्रेग्नेंट वल्नरेबिलिटी, सब्सटेंशियल की स्पेलिंग गलत है, सब्स सब्स बोलते हैं, SUBS हम बोलते हैं, सब्सटेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, सब्सटेंशियल मतलब थोड़ा सा सब्सटेंशियल क्वांटिटी जैसे हम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, तो बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखते हैं, बिफोर सही है, अराउंड सही है, अपोजिशन सही है, ENQUI होता है, एक्चुअली IU कर दिया है इसमें, इंक्वायरिंग डी इसमें एक्चुअली सही आंसर होगा आपका, ठीक है, ऐसे करना है इनको। देखिए ये एंटोनिम के क्वेश्चन है, डिटरेंस का मतलब क्या है, डिटरेंस का मतलब किसी चीज को डिस्करेज करना, डिटरेंस, डिटर ये वर्ब होती है, डिटरेंस एक नाउन है, किसी चीज को डिस्करेज करना, और इनकरेज इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, डिस्करेज का एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज। इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट इसको पढ़ते हैं, इंडाइटमेंट का क्या मतलब है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है फॉर्मली किसी व्यक्ति को अलीज करना, उसके ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम करना, और एक्विटल एक प्रोसेस होता है, एक्विटल का मतलब उसको एक्विट कर देना, बरी कर देना, उसको फ्री कर देना, जो आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं उससे फ्री कर देना, कन्विक्ट मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका एक्विटल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बैंक के एग्जाम में। यूबिकुटस का मतलब होता है जो सब जगह है, प्रेजेंट एवरीवेयर, और जो कहीं कहीं है वो होगा रेयर, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा रेयर। देखिए ये एक अच्छा वर्ड है, यूफेमिस्टिक, यूफेमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप किसी चीज़ को कहते हैं, पोलाइटली किसी चीज़ को कहते हैं, सॉफन तरीके से किसी चीज़ को कहते हैं, वेक तरीके से किसी चीज़ को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेमिस्टिक, यूफेमिस्टिक, ठीक है। तो इस तरह के सेम क्वेश्चंस आपसे फोर्थकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे। इस चैनल पर बैंकिंग एग्जाम के लिए और SSC एग्जाम के लिए इंग्लिश का टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, सारे वीडियो क्लासेस फ्री रहते हैं और रेगुलर बेसिस पर सारे वीडियो क्लासेस आप देख सकते हैं, और सारे वीडियो क्लासेस देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत कम समय में आपके अंदर आ सकता है। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपकी मदद कर रहे हैं। और SSC के लिए या SBI PO के लिए, यदि आप मेरे पेड क्लासेस, मेरे पेड टारगेट बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरे ईमेल आईडी हैं और कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है, इनके थ्रू आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।